या हुसैन बख्शीश का ये धागा है, इसे तोड़ दो कैसे। बख्शीश का ये धागा है, इसे तोड़ दो कैसे। बख्शीश तोड़ दो कैसे, हाथों से मैं दामान हुसैन छोड़ दो कैसे। या हुसैन जब जब यहाँ बज़्म मुहर्रम की लगेगी, जब जब यहाँ बज़्म मुहर्रम की लगेगी, जब जब यहाँ बज़्म मुहर्रम की लगेगी, मुहर्रम की लगेगी, हर सम्त से पते की आवाज उठेगी। या हुसैन दीन नबी के पाँव का कांटा निकाल दे, दीन नबी के पाँव का कांटा निकाल दे, दीन नबी के पाँव का कांटा निकाल दे, कांटा निकाल दे, यानी यजीदियत का जनाजा निकाल दे। या हुसैन दीन नबी के पाँव का कांटा निकाल दे, कांटा निकाल दे, यानी यजीदियत का जनाजा निकाल दे। या हुसैन आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, आंगन मिला है तुझको अली का बतूल का, अली का बतूल का, दामन मिला है तुझको खुदा के रसूल का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांव। ये मुहर्रम की आज योम आशूरा का 10 तारीख है, योम आशूरा का दिन है। हम लोगों की आदत में है कि हम लोग 9 तारीख और 10 तारीख को पूरे शहर में घूमते हैं, जहाँ जहाँ भी ताज़िया रखी रहती है उसकी ज़ियारत करते हैं। तो ऐसे ही घूमते घूमते जहाँ भी दोस्त अहबाब मिल जाते हैं, या कुछ चाहने वाले मिल जाते हैं, या रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है, तो फिर वहाँ पर खड़े होकर कुछ कलाम पढ़ देते हैं।
ना हमको बुलाया नहीं जाता है, लेकिन हम खुद जाते हैं। मौला अली की मोहब्बत में, इमाम हुसैन के अहले बैत से हमको इश्क है, हमारे खून में अहले बैत का इश्क कर रहा है, तो उसी मोहब्बत में हम घूमते रहते हैं, ताजिया देखते रहते हैं, जहाँ मन होता है बस वहाँ खड़े होकर पढ़ने लग जाते हैं बस ये मौला। और नहीं तो ऐसे पेमेंट तो मुशायरा पढ़ते हैं तो बेशुमार पेमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ पेमेंट लेने नहीं, हम यहाँ सिर्फ उनका इश्क हमको यहाँ खींच के लाता है, तो इस बात का जरिया बन जाए बस, अल्लाह करे कि हमारी बख्शिश का जरिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सैफ वारसी अनवर सामान नगर चौड़ी गली में रहता हूँ। यहाँ मेरे घर ताजिए शरीफ 40-45 साल से बनाई जा रही है। पहले वाली अब्दुल सलाम वारसी बनाते थे, इनके इंतकाल के बाद, आज उनके इंतकाल को कम से कम 21-22 साल हो गए हैं। उसके बाद मेरी अम्मी संभाले हैं, मेरी अम्मी रखते आए, मैं होश संभाला, काम करने लगा, मेरी अम्मी बताए हुसैनियत, बताए हुसैनियत क्या क्या है वो बताए, पूरा अदब बताए हुसैनियत का, इसलिए मुझे भी हुसैन से मोहब्बत है। हम लोग भी रोज़ा बना रहे हैं और इंशाल्लाह बनाते रहेंगे आगे।